यार एक बात बताओ, ये ऑस्ट्रेलिया में भी शादी और एंगेजमेंट के फंक्शन में 100 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, ये रूल लगा है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे बंदे ने लाइव टीवी पे निपटा दिया। नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र। ये कपल के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले मैच के ऊपर बात कर ले। भाई साहब, ये संडे को नींद खराब करने पर किसी पे केस फाइल कर सकते हैं क्या? हाँ, इसलिए क्योंकि सुबह उठ के नहा धो के हम मैच देखने बैठे और मम्मी ने ताना मार दिया कि गर्मियों में कभी तुम सुबह नहा धो के पढ़ने नहीं बैठे, यहाँ सर्दी में नहा कर मैच देखने बैठ गए। इसके तुरंत बाद एक उड़ती हुई चप्पल आई, मम्मी की मार तो चलो हम झेल गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने जो मारा ना भाई साहब, अभी भी उसकी वजह से दर्द है। कहाँ पर बउआ? भाई साहब दिल में, ज्यादा गंदा मत सोचो, दिल में ही दर्द है। सिक्के ने एक बार फिर से दगाबाजी करी और कोहली भैया टॉस हार गए। फिंच ने टॉस जीतते ही बैटिंग करने का फैसला लिया और एक बार फिर से भाई साहब बैटिंग नहीं करी ऑस्ट्रेलिया टीम ने। गुलछर्रे उड़ाए गुलछर्रे। फिंच और वार्नर ऐसा खेले कि मुझे चेक करना पड़ा कि कहीं मैं हाईलाइट्स तो नहीं देख रहा। पहले विकेट के लिए 142 जोड़ दिए। फिंच आउट हुए तो स्मिथ ने भी अपनी पारी वहीं से बढ़ाई जहां उन्होंने पिछले मैच में छोड़ी थी। मतलब भाई साहब फिर से सेंचुरी मार दी। पता नहीं राजस्थान के साथ खेलते हुए इनको कौन सा जुलाब लग गया था, वहां पे खराब खेल रहे थे जबकि इनके खुद के टीम में था बेन स्टोक्स। सॉरी, मतलब इनकी पारी को देखकर फिर से उन्हीं के प्लेयर की याद आ गई, यानी बेन स्टोक्स। मतलब हालत इतनी खराब थी कि नवदीप सैनी के ओवर पूरे करने की बजाय कोहली को इंजर्ड हार्दिक पांड्या को बॉलिंग सौंपनी पड़ी और हार्दिक भी करके आया भाई साहब, मतलब स्टीव स्मिथ की पारी का खात्मा करके आया। यानी मुंबई इंडियंस का एक पार्ट टाइम बॉलर जिसने एक साल से बॉलिंग नहीं करी है, वो बेंगलुरु के फ्रंट लाइन बॉलर से बढ़िया बॉलिंग कर रहा है। फिर आप बोलते हो कि मुंबई की टीम अंबानी जी की वजह से जीतती है। सॉरी, ये गलत बात है ऐसा नहीं बोलने का। खैर, आखिरी के 10 ओवर में लबुसेन और मैक्सवेल ने संडे बर्बाद बेन स्टोक्स कर दिया। सॉरी, लबुसेन ने 70 बनाए और मैक्सवेल ने 29 गेंदों में 64 रन बना डाले। भाई साहब केएल राहुल को तुरंत मैक्सवेल के घर पे जाकर उनकी कबर्ड से पंजाब की जर्सी छीन लेनी चाहिए। मतलब यार ऐसे पलटी मारा है मैक्सवेल, ऐसे पलटी तो वो भी नहीं मारी थी जब उसके पापा ने हम दोनों को साथ में देख लिया था। खैर, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को सीरीज बचाने के लिए 390 रन का टारगेट दे दिया। टीम इंडिया तो प्रेशर में थी, और तुम्हारी टीम? भाई साहब मेरी टीम का तो मत पूछो, माई 11 सर्कल ऐप पर मैंने कल ही बना ली थी। इनफैक्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैंने कौन सी टीम बनाई है। आप भी माई 11 सर्कल ऐप पर जाइए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही है, हर मैच से पहले अपनी टीम बनाइए, दादा की टीम को हटाइए, ट्रिपल कैश अपने अकाउंट में पाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अगर आप माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करते हो तो 20% कैशबैक और 1500 तक का बोनस भी आपको मिल सकता है। सो डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप नाउ एंड यू विल से वाओ। यस, एग्जैक्टली माई पॉइंट। टारगेट बड़ा था, रिजल्ट का अंदाजा मुझे अंदर ही अंदर हो गया था। ऐसा लग रहा था मैच देखने से अच्छा मोदी जी की मन की बात सुन लूं। लेकिन फिर भी टेढ़ा है लेकिन मेढ़ा है, ये सोचकर मैंने सेकंड इनिंग देखना शुरू किया। मयंक अग्रवाल और शिखर धवन ने इंडिया को बढ़िया शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 8 ओवर के अंदर 58 रन जोड़ दिए। मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस हिरन की तरह कुलांचे मारने लगा। अच्छा, हिरन की तरह? भाई को बताऊं तेरे अंदर हिरन है? सॉरी, लेकिन हेजलवुड और कमिंस ने दोनों ओपनर को आउट करके हिडन को कछुए में बदल दिया। भाई साहब ये मैच एकदम स्लो हो गया। अब ये मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि कोहली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो चुका था, क्योंकि 390 का टारगेट भेदने के लिए कोहली की गोली निकलनी जरूरी थी। कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मोर्चा संभाला भी। वैसे तो कोहली भैया फिट हैं और उनकी किडनी में दर्द नहीं है, लेकिन कोहली की सिडनी में बड़ा दर्द है। अभी तक सिडनी में फेल हो रहे कोहली ने इस ग्राउंड में अपनी पहली इंटरनेशनल 50 लगाई और अय्यर के साथ 93 रन की पार्टनरशिप करी। आधा रन और बना लेते ना तो 93.5 हो जाता। बजाते रहो। ए, वीडियो में भी रेडियो घुसा रहे हो। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। श्रेयस अय्यर भी बढ़िया फॉर्म दिखा रहे थे, लेकिन स्टीव स्मिथ ने बैटिंग के बाद फील्डिंग में भी कमाल प्रदर्शन करते हुए एक बढ़िया कैच लिया और श्रेयस को आउट कर दिया। यहाँ टीम इंडिया में कोई बल्लेबाजों की जोड़ी नहीं बन रही थी, वहीं दर्शकों के बीच एक जोड़ी बन गई। यहाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिंग में लड़ रहे थे और वहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिंग एक्सचेंज हो रही थी। भाई साहब मतलब बंदा लड़की को हग कर रहा था और मुझे डर था कि कहीं टीम इंडिया हग न दे। इसके बाद कोहली और राहुल ने जोड़ी बनाई, उम्मीद जो कुंभकर्ण की तरह सो चुकी थी उसे जगाया। लेकिन मॉइसेस एनरिकेस के अंदर सुपरमैन की आत्मा आई और कोहली का एक ऐसा कैच उन्होंने पकड़ा ना भाई साहब कि उम्मीद फिर से सो गई। कोहली 89 बनाकर आउट हुए, रन रेट बढ़ता जा रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस घटता जा रहा था। क्रीज पर राहुल और पांड्या तो थे, रिक्वायर्ड रन रेट 15 के पार जा चुका था और रन गति बढ़ाने के चक्कर में राहुल भी आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद इंडिया को 38 में 102 चाहिए थे। पांड्या और जडेजा ने अंत तक मैच ले जाने की कोशिश करी, लेकिन बावजूद उसके हिंदुस्तान ये मैच 51 रन से
हार गई। हालांकि ऐसा नहीं कि स्टेडियम में मौजूद सभी भारतीय हारे, वहां पर एक भारतीय ऐसा मौजूद था जिसकी जीत हुई और एक ऑस्ट्रेलियन लड़की उस पर अपना दिल हार गई। भाई साहब उसने प्रपोज किया, ये तो हमने आपको पहले ही बताया है। तालियां बजा रहे थे वहां पे सारे लोग, मतलब शादी भाई साहब की तय हुई और बैंड ऑस्ट्रेलिया ने बजा डाला। पर मुझे यकीन है माई 11 सर्कल पर आपको ट्रिपल कैश जरूर मिल गया होगा। मैंने बोला था ना मैक्सवेल को ले लेना, भाई ने 50 मार दी। मैंने बोला था समी और जैम्पा को लेना, दोनों को विकेट मिला। मैंने कहा था लबुसेन को फिंच से पहले लेना, हालांकि फिंच ने 50 मारी लेकिन पॉइंट ज्यादा लबुसेन को मिला था। और मैंने कहा था कैप्टन और वाइस कैप्टन स्टीव स्मिथ और राहुल को बनाना, और अगर आपने इनको बना लिया होगा ना भाई साहब तो मौजा ही मौजा हो चुकी होगी, क्योंकि एक ने सेंचुरी और एक ने हाफ सेंचुरी मारी। कहने का मतलब है कि साढ़े नाल रहोगे ते ऐसे करोगे, माई 11 सर्कल ऐप पर ट्रिपल प्राइज कैश करोगे, है कि नहीं भाई साहब। तीसरे वनडे की टीम लेकर कल मैं जरूर आऊँगा। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए। अपना ख्याल रखिए। बउआ साइनिंग आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।